हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी जॉब बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों, इस जॉब के लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है और इसमें आपकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं मांगी गई है। हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई हैं, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप इनके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर करें। मैं आपको सारी जानकारी के साथ बताने वाला हूँ दोस्तों इस जॉब के बारे में। इस जॉब के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूँ दोस्तों, अगर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी तरीके से कोई भी फेक आईडी से आपसे जॉब के लिए पैसा मांगे या आपसे कोई भी कॉल करने को बोले, तो आप किसी को पैसा ना दें और आप किसी के नंबर पर कॉल भी ना करें। चलिए दोस्तों, मैं आप जॉब के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सरकारी अस्पताल में वैकेंसियाँ बहुत ही बड़े लेवल पर निकाली गई हैं सरकार द्वारा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वार्ड बॉय के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसी निकाली गई हैं। हाँ दोस्तों, वार्ड बॉय की बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसी निकाली गई, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, इनके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर करें। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़े लेवल पर मैं आपको बता दूँ ये वैकेंसी सरकार द्वारा निकाली गई हैं। इसकी जानकारी मैं आपको सारी देने वाला हूँ, कितनी आपकी इसमें पढ़ाई लिखाई मांगी जाएगी और कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, ये बहुत ही बड़े लेवल पर सरकार द्वारा वैकेंसियाँ निकाली गई हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। दोस्तों, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें आप वार्ड बॉय की ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी जल्दी उनके लिए अप्लाई जरूर करें। मैं आपको बता दूँ दोस्तों इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो इसमें आपकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी है, इसमें सिर्फ आपका 5वीं और 8वीं पास होना जरूरी है। हाँ दोस्तों, अगर मैं 5वीं या 8वीं पास कर ली है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, ये वैकेंसियाँ बहुत ही बड़े लेवल पर निकाली गई हैं सरकार द्वारा, तो इसमें आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं रखी गई। दोस्तों, इसमें आपको बता दूँ दोस्तों, सिर्फ 18 साल इसमें आपकी उम्र होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका इसमें 18 साल का होना कंपलसरी है। दोस्तों, अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसको अप्लाई करने में, आपका कम से कम आपकी उम्र 18 साल उसमें होनी चाहिए। दोस्तों, और इसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट है जो अप्लाई करने में लगेंगे, तो मैं उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दूं। दोस्तों, इसमें आपके ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए, ऐसे आपके कुछ ही ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने पड़ेंगे और आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें जैसे कि आपकी जो मार्कशीट है 10th की, आपकी अगर आपने 8th पास कर लिया तो उसकी, तो यह आप लगा सकते हैं आसानी से और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड रहेगा। उससे पहले मैं आपको फॉर्म के लिंक के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इसका फॉर्म का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे गूगल पर सर्च कर सकते हैं हेल्प एंड रोजगार, आपको नंबर 1 पर वेबसाइट मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपको नंबर 1 पर वेबसाइट मिल जाएगी अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं हेल्प एंड रोजगार। तो और मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अप्लाई करने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये वैकेंसियाँ बहुत ही बड़े लेवल पर सरकार द्वारा निकाली गई हैं और इसमें आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इसका फॉर्म का लिंक आपको गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हेल्प एंड रोजगार सर्च करते हैं तो आपको नंबर 1 पर वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप आराम से इसके फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसके फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करें जिससे वो भी अप्लाई कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।